हिमाचल प्रदेश में पनप चुके ड्रग जैसे खतरनाक नशे को खत्म करने के लिए करनी सेना पुलिस का सहयोग लेती हुई नशे को खत्म करने के लिए कदम उठाएगी। ये शब्द पत्रकार वार्ता के दौरान करनी सेना के नवनियुक्त प्रदेश युवा अध्यक्ष राहुल चौहान ने कहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पनप चुका ड्रग जैसा नशा युवाओं की जिंदगी उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसे जड़ से खत्म करने के लिए करनी सेना पुलिस प्रशासन का सहयोग लेगी। वहीं उन्होंने सीमेंट के बढ़ते दामों पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बड़े खेत का विषय है कि जिस प्रदेश के पहाड़ों को छलनी कर सीमेंट तैयार किया जाता है, उसी प्रदेश में सीमेंट के दाम अन्य प्रदेशों से ज्यादा है, जो कि सरासर प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है, हिमाचल प्रदेश में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पूरे प्रदेश में जोड़ना, उनको आगे लाना, हमारी जो भारतीय संस्कृति है जो लुप्त हो रही है उसको आगे, उसको लुप्त नहीं होने देना है हमने, और उसको आगे लोगों में उसके उसको बढ़ाना है। जो बहनों बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं वो दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसको रोकना है। नशे का जो हमारे यहाँ पे हिमाचल में पंजाब के बॉर्डर के साथ जो लगते हुए एरिए हैं वहाँ पे नशे जो हैं आजकल बहुत ही उजागर हो चुके हैं, जिसमें युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ही आगे उसमें नशे में जो है डूब रही है। हमें पुलिस के साथ मिलके, पुलिस का सहयोग लेके, पुलिस का साथ देके हमें उस नशे को और नशा जो खोर है उनको रोकना है, उनके ऊपर पूर्ण रूप से लगाम लगाएंगे और युवाओं को आगे करनी सेना के साथ जोड़ेंगे। अभी हम बहुत ही जल्दी पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला वाइज जाके हर जिले में घूमेंगे और वहाँ पे यूथ को करनी सेना से जोड़ेंगे और करनी सेना के बारे में बताएंगे सरकार के विरुद्ध। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट जो है, सीमेंट हिमाचल प्रदेश में ही बनता है। हिमाचल की हमारी जो पहाड़ी है वो खुरेद खुरेद के यहाँ पे पर्यावरण को दूषित कर दिया गया, और हिमाचल में ही सीमेंट का रेट जो है वो 350 रुपए से ऊपर है। इसके खिलाफ शीघ्र ही हम आगे आंदोलन करेंगे जैसे हमें आदेश आएगा, जैसे कि सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, हम हिमाचल प्रदेश सरकार से आने वाले समय में और आज भी ये मांग करते हैं कि हिमाचल में भी बिजली को लेके बिजली सस्ती होनी चाहिए, जैसे दिल्ली की तर्ज पे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली के सीएम जो हैं वो बिजली फ्री की है, मैं वैसा ही कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में बिजली पैदा होती है और हिमाचल के लोगों को ही जो है वो बिजली के इतने इतने ज्यादा बिल देने पड़ते हैं। उज्ज्वल हिमाचल के लिए फतेहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।